एक किडरी नाम का पक्षी कुरुक्षेत्र की धरती पर उसने चार बच्चों को जन्म दे दिया। ऊपर पेड़ से अंडे ऐसे नीचे गिरे जैसे किसी रुई के गद्दे के ऊपर गिरे हों, जमीन में वो चार अंडे गिरे। युद्ध चल रहा था, अर्जुन का युद्ध हो रहा था, घमासान युद्ध था। वह श्री मार्कंडेय जी ने कहा, मां भगवती जगदम्मा ने देखा कि ये बच्चे जिंदे नहीं रहेंगे, हाथी का पांव पड़ गया तो ये मर ही जाएंगे। उसी समय मां भगवती जगदम्मा ने कोई भी नहीं देख पाया और उस युद्ध में हाथी के कंठ में बंधे हुए उस बहुत बड़े घंटे की रस्सी काट दी और घंटा गिरा उन अंडों के ऊपर। युद्ध चलता रहा, यह कथा मार्कंडेय पुराण की है और दूसरी जगह नहीं है। वो चारों के चारों अंडे उस घंटे के बीच में चल करके आ गए। युद्ध पूरा हो गया, अर्जुन को अभिमान आया। अर्जुन ने कहा कि भगवान, जिनको मैं छोड़ना चाहता था वो बच गए और जिनको मैं मारना चाहता था वो सब मर गए। ये अर्जुन के मन में युद्ध के बाद में बात आई। भगवान सबको सहन करते हैं लेकिन भक्त का अभिमान नहीं वो सहन कर सकते, अहंकार सहन नहीं करते। भगवान बोले, अच्छा ऐसी बात है, जिसको तुम मारना चाहते थे वो मर गया और जिसको तुम छोड़ना चाहते थे वो छूट गया। कृष्ण ने कहा कि माँ भगवती जगदम्बा, जिसको बचाना चाहती थी वो बच गया और वो जिसको मारना चाहती थी वो मर गया। अर्जुन ने कहा, नहीं, युद्ध मैंने किया, ये मैंने सोचा था कि किसको छोड़ना है किसको मारना है। भगवान ने कहा, तो चलो एक बार मैदान देख के आ जाए। तो बड़ी सुंदर कथा है यहाँ और यहीं से आरंभ है इस कथा का। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को घुमाते हुए लेकर के गए, सो देखा एक इतना बड़ा घंट पड़ा हुआ था, ऐसे रखा था बिल्कुल। अर्जुन को भगवान बोले, थोड़ा ही घंटे को उठाओ, इसके नीचे कुछ रखा है। पूरा जोर लगा दिया अर्जुन ने लेकिन अर्जुन से एक घंटा नहीं उठा, एक घंटा नहीं उठा, घंटा उठा नहीं, पूरा जोर लगा लिया अर्जुन ने लेकिन घंटा नहीं उठा उसे। पसीना पसीना, जैसे वो भीम से पूंछ नहीं उठी ना हनुमान जी की, और ये लगा जोर से लेकिन उससे वो घंटा नहीं उठा। इतने में उस युद्ध में महात्मा समीक आ गए। उनका बच्चा था छोटा श्रृंगी, छोटा ये वही श्रृंगी है जिसने परीक्षित को श्राप दिया था, छोटा, उसकी उम्र 4 साल की होगी, 4 साल की होगी उसकी उम्र। वो अपने पिता समीक के साथ निकलता हुआ जा रहा था। उसने कहा, ए अभिमानी चल हट, तो इस घंटे को क्या उठाएगा। और 4 साल के बच्चे ने उस घंटे को उठाकर यूं ऐसे उछाल दिया, सो उसमें 4 बच्चे थे, टिटरी के 4 बच्चे उस घंटे के नीचे। सो आंखें खुली अर्जुन की, तो भगवान ने कहा कि जो बच गए हैं उनको तो अर्जुन तुमने बचाया, लेकिन इस युद्ध में हाथी के पाम से अपने आप को इन बच्चों ने अपने आप को सुरक्षित रखा, ये किसने बचाया। चरणों में अर्जुन गिर पड़े, माँ भगवती जगदम्बा अम्बर आकाश में प्रकट हो गई और माँ ने कहा, अर्जुन ऐसे अहंकार को भूल जाइए, तुम्हें बचाने वाले कृष्ण ना होते, युद्ध से पहले तुम्हें हमें प्रसन्न नहीं किया होता तो इस युद्ध में पता भी नहीं चलता कि तुम कहां से आए, तुम कहां चले गए। माँ भगवती जगदम्बा ने कहा था, जिसको मैं बचाना चाहती हूँ उसके कर्मों के अनुसार वही बचता है, जिसका कर्म बिगड़ गया है उसको कोई भी नहीं बचा सकता। श्री मार्कंडेय जी महाराज कहते हैं कि हे जैमिनी, इसी भगवती जगदम्बा की कृपा तुम्हारे गुरु व्यास के ऊपर हुई है, जिन्होंने संपूर्ण पुराणों का जिन्होंने निर्माण किया है। समीक श्रृंगी ऋषि उन चारों बच्चों को लेके गए, उन यह बच्चे मनुष्य जैसी भाषा, टिटरी के बच्चे, टिहरी के बच्चे मनुष्य जैसी भाषा बोलते थे। इस कथा को आप आगे सुनेंगे। भगवान वेदव्यास ने जैमिनी के सामने माता रानी के अद्भुत चरित्रों का वर्णन किया।